Good morning everyone, I am Isha Gothwal. Today I am going to explain development of prints on clothes. So let's start. So what is fingerprints? Fingerprints जो होते हैं वो हमारे हाथों में होते हैं और पैर में, लिप में, ईयर में, मतलब बहुत सारे प्रिंट्स होते हैं. बेसिकली जो फिंगरप्रिंट है वो जो हमारी स्किन है उसकी जो डर्मिस लेयर होती है उससे वो डेवलप होते हैं. और ये सरफेसेस पर, किसी भी सरफेसेस पर अगर हमने टच किया है तो वहाँ पर हमारे फिंगरप्रिंट्स रह जाते हैं. अब उनको कैसे पता लगा है कि ये फिंगरप्रिंट किस इंसान के हैं? तो फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करते हैं, फिंगर टू फिंगर डिफ़र करते हैं. अगर मेरी पाँच उंगलियाँ हैं तो मेरी पाँचों उंगलियों में अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होंगे. ये अपने आप में यूनिक है. सो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो इसका शेप के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. और सेकेंड लेवल होता है इसका कि माइन्यूशियास फाइंड करते हैं कैरेक्टर्स. सो फर्स्ट शेप आप देख सकते हो स्लाइड में, आर्चेस, लूप्स, वर्ल्स, तीन टाइप के बेसिकली ये होते हैं. और एक और होता है एक्सीडेंटल. तो उसमें मतलब जो इन तीनों के कैटेगरी में नहीं आ रहा है वो एक्सीडेंटल है. तो फिंगरप्रिंट हम माइन्यूशियास, मैंने आपको भी बताया, माइन्यूशिया पॉइंट्स भी बहुत सारे होते हैं. अबाउट 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइन्यूशिया पॉइंट्स होते हैं. और लेटेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट्स, जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं बेसिकली. लेटेंट प्रिंट्स, विजिबल प्रिंट्स और प्लास्टिक प्रिंट्स. लेटेंट प्रिंट्स जो है वो इनविजिबल प्रिंट्स होते हैं, वो हमको आइज से नहीं दिखते. विजिबल प्रिंट्स हमको नॉर्मली दिख जाते हैं. जैसे कि हम डस्ट के ऊपर हाथ रखा तो उसके ऊपर हमारे जो प्रिंट्स है, पैटर्न है, वो इजीली विजिबल है. लेकिन लेटेंट प्रिंट्स जो है वो आपको इजीली विजिबल नहीं होते, उसको आपको डेवलप करना पड़ता है. सो लेटेंट प्रिंट्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है. तो क्लोथ्स के ऊपर हम उसको कैसे डेवलप करेंगे? क्लोथ्स के ऊपर डेवलप करने के लिए पहले कोई टेक्निक नहीं थी, क्योंकि क्लोथ क्या होता है, पोरस होता है, उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, तो उस पर हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे. इसलिए हमको जो फिज़िकल डेवलपमेंट मेथड होती है वो होती है पाउडर मेथड होती है, ठीक है, डस्टिंग. तो ये जो है ये नॉन एड्सॉर्बेंट सर्फेसेस, मतलब कि एक हार्ड सर्फेस जैसे कि टेबल हुआ, मोबाइल स्क्रीन, उसके ऊपर अगर आपको विजुअलाइज करना है प्रिंट्स को तो आपको डस्टिंग मेथड, मतलब पाउडर मेथड यूज़ कर सकते हो. लेकिन हमको अभी क्या करना है, हमको क्लोथ्स के ऊपर प्रिंट डेवलप करना है. तो उसके लिए हमारे पास में तीन मेथड है. आयोडीन फ्यूमिंग फर्स्ट है, हम इसको देख लेते हैं. तो आयोडीन फ्यूमिंग में क्या होता है कि सबसे पहले एक हमने प्लेन पेपर लिया, उसके ऊपर हमने प्रिंट लिया अपने हाथ का, उस पर हाथ में कुछ नहीं लगाया, बस हमने ऐसे नॉर्मली उसको प्रेस किया. तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रिंट है वो पेपर पर आ जाएगा. अब एक चैम्बर लेंगे, उसके अंदर हमने आयोडीन डाला, उसको गर्म करा, उससे क्या होगा, उसके अंदर भाप बनेगी. अब उसको इवेपरेट नहीं होने देना है, उसके अंदर हमको अपना पेपर रखना है और क्लोज रखना है उसको, ठीक है. अब ये जो है मेथड, ये बहुत कम टाइम के लिए इसमें प्रिंट विजिबल होता है, इसलिए इसको जल्दी से हमको फोटोग्राफ करना पड़ता है. सेकेंड मेथड है निनहाइड्रिन मेथड. निनहाइड्रिन मेथड एक केमिकल मेथड है, इसको प्रिंट को विजिबल होने में बहुत लंबा टाइम लगता है. अगर हमको प्रिंट जल्दी विजिबल करवाना है तो हमको उसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है. और जो निनहाइड्रिन केमिकल है, निनहाइड्रिन केमिकल को एसीटोन के साथ में मिक्स करके हम एक लिक्विड बनाते हैं, स्प्रे बनाते हैं. उसको हम हमारे प्रिंट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या फिर हमारा प्रिंट उसमें डिप कर सकते हैं. तो जो हमारे हाथ से जो प्रिंट उसमें लगा है, तो हाथों में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे रेसिड्यूज़ होते हैं, स्वेट रेसिड्यूज़ होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं. तो जो अमीनो एसिड है उससे निनहाइड्रिन केमिकल रिएक्ट करके रूहेमान पर्पल कलर देता है. और वो रूहेमान पर्पल कलर हमको शो होता है, जिसकी वजह से हमको प्रिंट्स विजिबल होते हैं. थर्ड मेथड है सुपर ग्लू फ्यूमिंग. इसके अंदर साइनोएक्राइलेट ईस्टर जो है, ये हम उसमें डालते हैं और वेपर्स जो है वो फिंगरप्रिंट के साथ में कॉन्टैक्ट में आती है साइनोएक्राइलेट की, तो प्रिंट विजिबल होता है. अब आवर क्लॉथ्स कुड बिकम विटनेस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर बहुत सारे ऐसे सरफेस होते हैं जहाँ पर हम अननोइंगली टच कर देते हैं. सपोज दैट हम जा रहे हैं कहीं से और हमने मतलब
किसी को ऐसे पुश किया तो उसके क्लोथ पे हमारे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, तो अब उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो रिसर्चर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ आर्बिट्री स्कॉटलैंड के और जो स्कॉटिश पुलिस सर्विस अथॉरिटी है, उन्होंने ये फिंगरप्रिंट रिकवर करने के लिए एक टेक्निक लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं वैक्यूम मेटल डिपोजिशन। इस टेक्निक में गोल्ड और जिंक का मिक्सचर यूज़ करके और फिंगरप्रिंट मार्क्स को विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई फैब्रिक लिया है उसको वैक्यूम चैम्बर में रखना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर उसको गोल्ड के साथ में, मतलब गोल्ड की जो वेपर्स है उससे उसको रिएक्ट करवाएंगे और जो फैब्रिक है उसके ऊपर प्रिंट विजिबल हो जाएगा। तो वैक्यूम मेटल डिपोजिशन क्या है? द कोटिंग ऑफ एन एग्जिबिट विथ एटोमिक लेयर ऑफ मेटल इन अ वैक्यूम चैम्बर। एक वैक्यूम चैम्बर में किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोटिंग करना गोल्ड की या जिंक की। ठीक है, तो फॉरेंसिक बीएमडी एक पावरफुल टेक्निक है लेकिन फिंगरप्रिंट डेवलप करने की नॉन पोरस सरफेस, सेमी पोरस सरफेस और पोरस सरफेस, इन तीनों लेवल पर वो वर्क करती है। ठीक है, इसके तीन, इस प्रोसेस को करने के लिए हमको चार चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट, वैक्यूम चैम्बर होना चाहिए। सबस्ट्रेट एग्जिबिट चाहिए कि हमको किस पे के ऊपर कुछ चाहिए, प्रिंट किसके ऊपर विजिबल करवाना है। हीट सोर्स चाहिए क्योंकि हमको वहाँ पे वेपर्स चाहिए गोल्ड की, और इवेपोरेशन मेटल मटेरियल गोल्ड चाहिए। बीएमडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज़र्स हैं जो अभी करंटली इसका यूज़ कर रहे हैं। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं यूके होम ऑफिस, कास्ट, द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, नेदरलैंड ऑफ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, एंड लॉ एनफोर्समेंट में न्यूजीलैंड पुलिस, क्रिमिनल इंटेलिजेंस सर्विसेज और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूज़ कर रही है। एप्लीकेशंस है इसकी नॉन पोरस एग्जिबिट्स पर, बॉटल्स हो गई, बुलेट्स हो गई, गन, क्रेडिट कार्ड, सिरिंजेस और नार्कोटिक रैपर्स, वायर्ड एंड वंडरफुल, वियर्ड एंड वंडरफुल। सो बेसिकली हम इस बीएमडी की टेक्निक से लीव्स के ऊपर, फेदर्स के ऊपर भी प्रिंट डेवलप कर सकते हैं, क्लोथ्स के ऊपर कर सकते हैं, करेंसी नोट के ऊपर कर सकते हैं, टेप वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके दो केसेस मैं आपको बताती हूँ। एक था ऑस्ट्रियन स्टेट पुलिस ने जो सॉल्व किया है कि एक किचन नाइफ से एक मर्डर हुआ था 2017 में। तो उसमें क्या था, जो नाइफ है उसको पहले क्लीन किया, उसके ऊपर से ब्लड हटाया, फिर उसको बीएमडी टेक्निक में, बीएमडी के थ्रू उसके ऊपर फिंगरप्रिंट डेवलप किया और सक्सेसफुली डेवलप हो गया था। और एक और केस है उसमें जो कार्डबोर्ड का लेटेक्स ग्लव पैकेट था उसके ऊपर प्रिंट डेवलप किया गया बीएमडी की हेल्प से। ओके, थैंक यू एवरीवन।